बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ मैं दूध का शरबत जो मुहर्रम में बनाते हैं। इसमें चाहिए हमें, ये है खोपरा घसा हुआ, खोपरा को कद्दूकश कर लेंगे हम। और ये है काजू, बादाम है, काजू है ये 100 ग्राम, 100 ग्राम बादाम है ये। और ये एक भट्टी खोपरा जिसको घर घस लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 लीटर, 1 किलो लीटर दूध है ये, उसको गर्म करके रख लेंगे। और ये पानी है 1/2 लीटर, 1/2 लीटर पानी में हम लोग पहले शुगर शक्कर को मिला लेंगे। ये गिलास से मेजरमेंट डाल रही हूँ मैं, जो शक्कर भी हमें आधा किलो, एक लीटर दूध है, 1/2 लीटर पानी है, 1/2 किलो शक्कर है। और अब यह है इलायची पाउडर, इसको पीस करके डाल देंगे। और यह है काजू, पहले काजू को हम लोग पानी में गर्म पानी करके उसमें भिगा लेंगे 10 मिनट। उसके बाद उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, काजू और बादाम दो ऐसे ही करके रख लेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें, फिर ये खोपरा है, खोपरा भी घसा हुआ, इसमें से डाल देंगे। अभी शीरे के लिए 10 मिनट टाइम लगेगा शक्कर घुलने के लिए, वैसे ही छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा प्रोसेस करने तक वो शक्कर घुल जाएगी। ये देखें शक्कर घुलने लगी है, अब हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। ये दूध और शीरा, शक्कर का पानी, शीरा घुल गया है। अभी सबको मैंने एक जगह मिला लिया हूँ मैं। अब इसको हम धुआँ देंगे, दूध का धुआँ देंगे। ये है मट्टी की हांडी, मट्टी की हांडी चाहे तो आप इसके हांडी में भी बना सकते हैं। ये है ऊददान, ऊद जिसमें कोयला सुलगा लेंगे, उसमें ऊद डालकर ये मट्टी की हांडी को होंदा दे देंगे, तो उसमें सारा धुआँ चले जाएगा। सारा धुआँ जाने के बाद इसमें हम दूध डालेंगे, इसका धुआँ से ही हमें शरबत मज़ेदार लगेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए अब इसमें ढक्कन डाल देंगे जल्दी हम लोग, क्योंकि धुआं बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमारा शरबत बन चुका है। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुहर्रम में शरबत बना के पीजिए। अल्लाह हाफिज़।